नागपुर जिले के रामटेक स्थित प्रसिद्ध श्रीराम मंदिर में गुरुवार को श्रीराम जन्मोत्सव मनाया गया, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस साल मंदिर में श्रद्धालुओं की ना भीड़ थी ना ही जल्लोष। मंदिर के पंडितों ने ही विशेष पूजा अर्चना कर सभी रामटेक वासियों को लाउडस्पीकर के जरिए श्रीराम जन्म की बधाई देते हुए घर में ही सुरक्षित रहने का संदेश दिया। गुरुवार को श्री क्षेत्र रामटेक में श्रीराम जन्मोत्सव मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता माई की रामनवमी के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, लेकिन इस साल यह पूजा मंदिर के पंडितों के हाथों संपन्न हुई। हर वर्ष रामटेक के प्रसिद्ध गढ़ मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना वैश्विक महामारी के चलते संपूर्ण देश लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में छोटे बड़े मंदिर में भीड़ ना हो इस दृष्टिकोण से बंद किए गए, इसीलिए इस बार राम जन्मोत्सव पर मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं थी। मंदिर के पंडितों ने सुबह से ही मंदिर में पूजा अर्चना की और राम जी का विशेष श्रृंगार कर भोग लगाया, जिसके बाद दोपहर 12 बजे मंदिर के कपाट खोलकर प्रभु श्री राम के जन्म होने की सभी को बधाई दी। मंदिर में रामनवमी के दिन हजारों भक्त का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। सैकड़ों भजन मंडली डिंडी मंदिर पहुंचकर राम जन्मोत्सव की खुशियां मनाती थी, लेकिन इस साल सभी श्रद्धालुओं ने राम जी के दर्शन अपने घर से ही किए। श्री राम मंदिर से लाउडस्पीकर के जरिए सभी रामटेक वासियों को आरती सुनाई गई। इस दौरान मंदिर के पंडित मुकुंदा महाराज ने कोरोना महामारी से बचने के लिए घर में ही रहने की सलाह दी और कहा कि प्रभु श्री राम जल्द ही इस संकट से देश को और सभी को बाहर निकालेंगे। इसके लिए सभी नागरिक सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। इनबीसीएन न्यूज के लिए एकता गहरवार की रिपोर्ट।